अगर आप अपनी होटल मैनेजमेंट डिग्री के थर्ड ईयर में हो, एमएससी इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के बारे में सोच रहे हो, एमएससी इन हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एमएचएम के बारे में सोच रहे हो, टीचिंग में अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हो, आईएचएम असिस्टेंट लेक्चरर के बारे में सोच रहे हो, एनएचटीईटी करने के बारे में सोच रहे हो, तो गाइज ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल राणा एजुकेशन। दिस इज मनोज राणा फ्रॉम आईएचएम शिमला। गाइज अभी नहीं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लास्ट में लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और इस बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं एमएससी है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। गाइज एमएससी एक मास्टर कोर्स है, ओके, आपको हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि आप बीएससी करने के बाद, बीएससी मीन जो आप बीएससी एच एंड एच ए करते हो फ्रॉम एनी आईएचएम, जो एनसीएचएम से एफिलिएट कॉलेजेस हैं, बाकी भी जो अदर यूनिवर्सिटीज हैं जहां से वो होटल मैनेजमेंट की डिग्री करते हैं गाइज, उसके बाद वो इसमें मास्टर्स कर सकते हैं। इसकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो टीचिंग के लिए यूजफुल है, क्योंकि जो एनसीएचएम के जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपको टीचिंग में करियर बनाना है, अगर आपको किसी आईएचएम में असिस्टेंट लेक्चरर लगना है या फिर टीचिंग एसोसिएट लगना है, तो उसकी जो एलिजिबिलिटी है गाइज वो उसके अकॉर्डिंग आपके पास एमएससी होनी चाहिए या फिर 2 साल का होटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ में आपको एनएसटीईटी का एग्जाम भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, तो एमएससी आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ आपका एनसीएचएम का एमएससी ही नहीं, ये एमएचएम भी हो सकता है। कई यूनिवर्सिटी में इसको एमएचएम बोल देते हैं, ओके, कई में इसको एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन बोल देते हैं, तो ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है, इसके नेम अलग अलग हो सकते हैं। बट मेन इसका क्रक्स क्या है कि आपका होटल मैनेजमेंट में मास्टर्स होनी चाहिए और किसी यूनिवर्सिटी से या किसी कॉलेज से रेगुलर मोड में होनी चाहिए, फुल टाइम होनी चाहिए। ओके, ये एमएससी की इंपॉर्टेंस है। मैं आपको दिखा देता हूँ जो एनएसटीईटी की, जो ये देखो आप देख सकते हैं ये एनएसटीईटी। अब एनएसटीईटी क्या है, दिस इज नेशनल हॉस्पिटैलिटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है, इसके कोर्सेज भी मेरे राणा एजुकेशन द्वारा चलाए जाते हैं, उसका लिंक अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा। ओके, अभी जैसे ही एनएसटीईटी की नोटिफिकेशन आएगी 2022 की, तो हम उसका भी एक बैच शुरू करने वाले हैं। ओके, तो एनएसटीईटी में गए, जो उसकी एलिजिबिलिटी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखें फुल टाइम मास्टर्स है ना, फुल टाइम मास्टर डिग्री चाहिए हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ये गाइस इसकी रिक्वायरमेंट है, पार्ट टाइम नहीं चलेगी, यहाँ पे फुल टाइम मास्टर्स मांगते हैं। और ये फुल टाइम आपकी एनसीएचएम से एफिलिएट किसी भी कॉलेज से हो सकती है या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। और कितने परसेंटेज चाहिए, कम से कम आपकी 55% चाहिए। ओके गाइस, ये इसकी एलिजिबिलिटी है एनएचटीईटी की, क्योंकि जो आपका एमएससी प्रोग्राम है उसकी जो मैक्सिमम, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो कहाँ पे लगेगी आपको, आप जब एनएचटीईटी का एग्जाम देंगे। ओके, क्योंकि एनएचटीईटी का एग्जाम देके आप जो है गाइज किसी भी आईएचएम में असिस्टेंट लेक्चरर या फिर टीचिंग एसोसिएट की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ओके, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं गाइज, जो एनसीएचएम नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी नोएडा है, तो गाइज आपका जैसे बीएससी एच एंड एच ए होता है उसके लिए एक ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एवरी ईयर करता है गाइज, वैसे ही वो एमएससी इन हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी हर साल एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम। अब ये जो एग्जाम है गाइज ये वो खुद करवाता है, क्योंकि जो बीएससी का एग्जाम है उसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स रहते हैं, तो वो एग्जाम 2019 के बाद से एनटीए करवा रहा है। लेकिन जो एमएससी का एग्जाम है, एमएससी इन हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन गाइज, वो आपका एनसीएचएम खुद ही करवाता है। ओके, ये कैलेंडर है आपके सामने 22-23 का कैलेंडर, और ये एमएससी का क्लासेस कब से शुरू होने वाली हैं वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो यहाँ आप देखें जो सेमेस्टर 1 है 2022 में, उसकी जो क्लासेस है गाइज वो 18 अगस्त से गाइज शुरू होने वाली हैं, शुरू हो जाएंगी। ओके, अगर 18 अगस्त से शुरू हो जाएंगी तो हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जुलाई तक, 15 जुलाई तक जो है वो आपका एग्जाम हो जाएगा, उससे पहले भी हो सकता है, और एक महीने में आपकी काउंसलिंग होगी। ओके, तो ये कैलेंडर है, अब हम इसके अकॉर्डिंग ही इसके आगे चलेंगे कि कब कौन सा आपके लिए बैच बनाया गया है और कैसे आपकी क्लासेस इसमें, कैसे आप इसमें पढ़ाई कर सकते। ओके, अब बात कर लेते हैं कि जो आपका एमएससी प्रोग्राम है जो एनसीएचएम करवाता है वेरियस आईएचएम्स के थ्रू, उसमें कितनी सीट्स हैं गाइस। पहले पिछले साल तक ये सिर्फ 5 और 6 कॉलेजेस थे जो एमएससी करवाते थे, लेकिन क्योंकि डिमांड्स बढ़ी तो लास्ट ईयर क्या हुआ है कि अब अप्रोक्स 550 सीट्स हैं थ्रू आउट इंडिया। बहुत सारे आईजीएम्स को
एमएससी करवाने की एफिलिएशन मिल गई है, अप्रूवल मिल गया है, जिसमें क्या एचएम शिमला भी आता है। ओके, पहले सिर्फ आपका एनसीएचएम करवाता था, पूसा था, बेंगलुरु था, चेन्नई था, लखनऊ था, कोलकाता था, ओके, आई गेस भोपाल भी था, 5 या 6 आईएचएम थे जो एमएससी करवाते थे। ओके, और सीट्स बहुत लिमिटेड होती थी, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी आपके सामने ये डाटा है और पिछले साल से बहुत से आईएचएम्स को अप्रूवल मिल चुका है, अब वो भी एमएससी शुरू कर सकते हैं। तो आप यहाँ आप देखेंगे मोर देन 550 ऑलमोस्ट 600 सीट्स हैं एमएससी की। ओके, और आप इन कॉलेजेस से बहुत जो सेंट्रल आईएचएम है, मैक्सिमम सेंट्रल आईएचएम को एमएससी करवाने का अप्रूवल मिल चुका है, जिसमें आप देखे हैं इसके अलावा, इसके इन इन टॉप 6 के अलावा भुवनेश्वर, एआईएचएम चंडीगढ़, गुवाहाटी, ग्वालियर, गांधीनगर, हाजीपुर, हैदराबाद, जयपुर, शिमला, त्रिवेंद्रम, इन सभी आईएचएम को एमएससी करवाने का अप्रूवल मिल चुका है, तो आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एमएससी का जो एग्जाम होता है, जो कि एनसीएचएम करवाता है, उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कहां से आते हैं। ओके गाइस, जो आपका एमएससी का एग्जाम होता है वो 100 नंबर का होता है। ओके, और इसमें जो मेन सोर्स है आपका, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, वो है ग्रेजुएशन लेवल, जो कि आप 3 साल में गाइस पढ़ते हैं, है ना। उसमें आपको पता है आपके मेन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फ्रंट ऑफिस, अकोमोडेशन, ओके, आपके यहाँ पे किचन उन्होंने मेंशन नहीं किया, F&B उन्होंने क्लब में कर दिया है। ओके, बाकी जो आपके अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्सिडरी रेवेन्यू, F&B कंट्रोल, फैसिलिटी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, टूरिज्म मार्केटिंग, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश एंड न्यूमेरिक एप्टीट्यूड IQ, इन सभी से यहाँ पे नंबर ऑफ यू नो MCQs दिया है। ये इसका एक छोटा सा ब्रेक डाउन है, 5, 10, 5 ऐसे करके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जैसे कि आपके BSc HNHA के एग्जाम में होती है। ओके, 0.25, ऑलराइट। और क्योंकि लास्ट ईयर कोरोना था, तो इसकी जो ड्यूरेशन थी वो 2 आवर्स रखी गई थी, वैसे इसकी ड्यूरेशन 90 मिनट होती है। ओके, और 0.25 की, इसका आप पिछले ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे, पेपर देखेंगे, तो अलग अलग टाइमिंग दी हुई है, लेकिन इन जनरल आप ये मान लो कि गाइस इसमें जो है वो 90 मिनट्स आपको मिलेंगे और आपके 100 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। ओके, तो गाइस वैसे तो ये एग्जाम आपके सिलेबस में से ही आता है। ओके, जो आप 3 साल में पढ़ते हैं वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई, क्योंकि मैं BSc HNHA जो JEE का एग्जाम होता है, जो NTA करवाता है, उसके कोर्सेज रन करता हूँ, तो मुझे बहुत सारे MSc के बच्चों की, जो मेरे ही स्टूडेंट हैं, कुछ IHM शिमला के, कुछ पास आउट हो चुके हैं, बहुत सारे अदर IHM के स्टूडेंट ने भी मेरे को अप्रोच किया और कहा कि सर हमें MSc की प्रिपरेशन करनी है और MSc के लिए कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है, MSc के लिए कोई ऐसा कोई बैच नहीं है जहाँ पे हमें सारा ये जो मटेरियल है वो एक ही जगह पे हमें इकट्ठा मिल जाए पढ़ने के लिए। ओके, तो गाइज अगर आप इस एग्जाम को खुद क्वालिफाई कर सकते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड। ओके, लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि उनको स्टडी मटेरियल चाहिए, उन्हें कोई पढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, उनको सारा एक जो पिछले ईयर्स के पेपर्स हैं वो सॉल्व चाहिए, तो गाइज उन सभी बच्चों की रिक्वेस्ट को देखते हुए मैंने एक कोर्स आपके लिए डिजाइन किया है, जहां पे आपको इन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स प्लस इनके MCQs प्लस इनके मॉक टेस्ट प्लस बहुत सारा जो इससे रेलेवेंट मटेरियल है गाइस, वो आपके लिए इकट्ठा करके एक कोर्स आपके लिए डिजाइन किया है। तो ये डिस्कस करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कोर्स कहाँ है। ओके, तो उस कोर्स को आप कहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए गाइज आपको आ जाना है मेरी एप्लीकेशन, जिसका नाम है राणा एजुकेशन। ये मेरी एप्लीकेशन का होम पेज है। अब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, उस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको अभी ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो वहां से जाके आप इस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद ये उस ऐप का होम पेज है। यहाँ पे गाइस आप बॉटम में देखेंगे आपको दिख रहा होगा होम बैचेज स्टोर, आपने जाना है स्टोर पे। ओके, स्टोर पे जाने के बाद टॉप में आपको कुछ फोल्डर दिखेंगे, जहां पे आपके सामने फोल्डर होंगे NTA, UGC नेट एंड होटल मैनेजमेंट। यहीं पे आपको लास्ट में 4th नंबर पे फोल्डर दिखेगा, ओके, NCHM MSc JEE, NCHM MSc JEE। आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपके सामने गाइस ये कोर्स खुल के आएगा। ओके, जो कि आपके लिए डिजाइन किया गया है, जिसका नाम है NCHM MSc JEE 2022 कंप्लीट कोर्स। आप इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ पे देखें गाइस ये वो कोर्स है जो आपके लिए बनाया हुआ है। ओके, और जहाँ पे आपको पूरा जो मटेरियल है, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, वो सब कुछ और उससे रेलेवेंट सब कुछ आपको यहाँ पे गाइस मिलने वाला है। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गाइस इस यहाँ पे आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे लिखा है रीड मोर, आप इस पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे गाइस आपको दिखने वाला है कि आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि इसकी जो वैलिडिटी है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको आज ज्वाइन करते हो,
तो आज से लेके मैंने इसकी जो टेंटेटिव जो एक अप्रोक्स वैलिडिटी रखी है वो रखी है 15 जुलाई, क्योंकि जैसे मैंने आपको कैलेंडर दिखाया था कि 18 अगस्त से एमएससी की फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो मैंने गेस किया था कि 15 जुलाई के आसपास इसका एग्जाम हो जाएगा। तो अभी के लिए मैंने इसकी जो वैलिडिटी है वो 15 जुलाई रखी है, इस कोर्स की वैलिडिटी। लेकिन अगर ये एग्जाम की डेट्स पोस्टपोन होती हैं या एग्जाम की डेट थोड़ा आगे भी होती है तो जो इसकी वैलिडिटी है वो एग्जाम डेट तक कर दी जाएगी। डोंट यू वरी अबाउट दैट। आप ये चिंता ना करें कि ये उससे पहले एक्सपायर हो जाएगा। जब जिस दिन आपका एग्जाम होगा तब तक इसकी वैलिडिटी गाइस बनी रहेगी, है ना। तो ये तो हो गया इसकी वैलिडिटी। अब इसमें बात करते हैं इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। नंबर वन, वीडियोज एंड पीडीएफ एक्सप्लेनेशन। बहुत सारे टॉपिक्स के वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको इसमें मिलने वाले हैं। अभी आपको दिखाऊंगा कंटेंट जो इसका है। सेकेंड है मॉक टेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर्स पेपर ऑफ एमएससी जेईई फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड। जो उसका क्रक्स है, आपको 2015 से लेके 2021 तक जो पिछले सालों में एमएससी जेईई के एग्जाम्स हुए हैं वो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको सॉल्व मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट। उनको मॉक टेस्ट में कन्वर्ट किया है मेरी टीम ने। तो आप जब उनको अटेम्प्ट करेंगे, भी आपको मैं दिखाऊंगा, आप उनको अटेम्प्ट करेंगे, फिर आप उनको सॉल्व करेंगे, लास्ट में सबमिट करेंगे, तो आपको वो आपका पूरा स्कोर दिखाएगा। तो पिछले 6-7 साल के 2015 से लेके 21 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं आपके एमएससी जेई के वो सारे पेपर आपको यहाँ पे गाइस सॉल्व मिलने वाले हैं। नंबर 3 लिखा है मॉक टेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ एनएसटीईटी फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको पता है इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका। आप जब एमएससी कर लेंगे तो उसके बाद क्या करना है आपको टीचिंग में आने के लिए, गाइस आपको एनएसटीईटी का एग्जाम भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जो एनएसटीईटी है वो 2017 के बाद से एनसीएचएम कंडक्ट करवा रहा है। तो 2017 से लेके अब तक जितने भी एनएसटीईटी के एग्जाम हुए हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन पेपर विद आंसर कीज ऑफ एग्जाम्स हेल्ड फॉर असिस्टेंट लेक्चरर्स एंड लेक्चरर्स एट वेरियस आईएचएम्स। एनएसटीईटी से पहले गाइज असिस्टेंट लेक्चर की पोस्ट के लिए और लेक्चर की पोस्ट के लिए भी रिटर्न एग्जाम होता था। और लेक्चर की पोस्ट के लिए तो अभी भी रिटर्न एग्जाम होता है, जैसे कि अभी आईएचएम शिमला में हुआ, आईएचएम भोपाल में हुआ, बहुत सारे आईएचएम्स में हुआ। तो वो क्वेश्चन जो है पेपर जो है वो भी एनसीएचएम ही सेट करता है। तो वो सारे पेपर अगेन आपको यहाँ पे सॉल्व विद आंसर की मिलने वाले हैं जितने भी एग्जाम हुए हैं असिस्टेंट लेक्चर के लिए या फिर लेक्चर की पोस्ट के लिए। देन फिफ्थ पॉइंट है मॉक टेस्ट फॉर ऑल टॉपिक्स। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनके मैक्सिमम टॉपिक्स के आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। शॉर्ट ट्रिक्स हाउ टू डू द टाइम मैनेजमेंट, टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, मंथ वाइज जीके, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि जीके से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो 2018 से मंथ वाइज जीके गाइस आपको यहां पे मिलने वाला है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री न्यूज मंथ वाइज। आपको जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें जो अपडेशन हो रही है एवरी मंथ वो आपको यहाँ पे मंथ वाइज गाइज मिलने वाला है। तो ये कंटेंट है, ये आपका ओवरव्यू था, प्रिव्यू था। मैं आपको दिखाता हूँ कंटेंट। ऊपर आप टॉप में देखेंगे ओवरव्यू साथ लिखा है कंटेंट। कंटेंट में आप जाएंगे तो यहाँ पे जैसे आपको बताया फर्स्ट फोल्डर क्या है, आपको यहाँ पे आपको बीएससी एचएनएचएस सब्जेक्ट्स वीडियो लेक्चर जो आपके आपने ग्रेजुएशन में आप सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे यहाँ पे देखें, होटल अकाउंट्स, जनरल मैनेजमेंट, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, फूड एंड बेवरेज सर्विस, फूड प्रोडक्शन, अदर सब्जेक्ट्स, होटल अकाउंट्स, जनरल मैनेजमेंट, ये जो गाइज आपके सब्जेक्ट्स हैं इनके वीडियो लेक्चर्स सिलेक्टिव टॉपिक्स के प्लस इनके आपके मॉक टेस्ट बहुत सारे ऑलरेडी इसमें अवेलेबल हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ये आपका फर्स्ट फोल्डर था। सेकंड फोल्डर था बीएससी एचएनएचए जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स पढ़े उनके मॉक टेस्ट। जैसे आपको फूड साइंस है, होटल अकाउंट्स है, देन आपको मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे ये फूड साइंस न्यूट्रिशन लिखा है ना, इसके मॉक टेस्ट कैसे होंगे आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे देखें इसके ऑलरेडी 6 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। 6 मॉक टेस्ट इसके अवेलेबल है। ये 6 मॉक टेस्ट हैं और एक मॉक टेस्ट में 20 या 25 क्वेश्चंस होते हैं। जो कि पूरे फूड साइंस से ही रिलेटेड है। मॉक टेस्ट का जो अगर आपको सैंपल देखना है गाइस तो आप जब इसके होम पेज पे आओगे वहां पे फ्री टेस्ट करके एक फोल्डर बना है फ्री टेस्ट, वहां जाके आप टेस्ट को मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ। तो ये गाइज आपका सेकंड फोल्डर हो गया जिसमें आपके जो ग्रेजुएशन में आप सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उन सब के मॉक टेस्ट हैं। देन प्रीवियस ईयर एमएससी जेई क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको अभी बताया, जैसे आप इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आप देखें 15 15
थोड़े फूड आगे पीछे हो गए हैं, 15, 20, 19, 18, 17, 21 ओके। ये गाइस यहाँ पे आपको पिछले सालों के जो पेपर हुए हैं वो आपको सॉल्व यहाँ पे एमएससी के मिलेंगे। देन नेक्स्ट इज योर एनएसटीईटी ओके। तो यहाँ पे आप देखे हैं एनएसटीईटी के जो लास्ट ईयर के पेपर हुए हैं 17 में, 18 में, 19 में ओके, ये आपके एनएसटीईटी के पेपर हैं, बहुत हेल्पफुल आपके एमएससी एग्जाम के लिए ओके। एंड देन आपके असिस्टेंट लेक्चर्स एंड लेक्चर के लिए जो एग्जाम हुए हैं ओके, वो आप यहाँ देख सकते हैं, AIHM चंडीगढ़, AIHM गुरदासपुर ओके, AIHM चंडीगढ़, यहाँ पे जो असिस्टेंट लेक्चर या लेक्चर की पोस्ट के लिए एग्जाम हुए हैं वो क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्म में सॉल्व आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं ओके। देन आपका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री न्यूज मंथ वाइज आपको यहाँ पे मिलेगा फ्रॉम जैन 2020 ओके। एंड लास्ट है आपका बट नॉट लीस्ट मंथ वाइज जीके, यहाँ पे वीडियो बना के आपको बताया हुआ है कि वो कहाँ से आपको मंथ वाइज जीके गाइज मिलेगा। तो कंप्लीट पैकेज है ओके, कंप्लीट पैकेज है यहाँ से गाइज। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं डेफिनेटली आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे यहाँ पे कवर किए गए हैं ओके। अब इसको ज्वाइन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ गाइज। ये वो कोर्स था ओके जहाँ मैं आपको सब कुछ दिखा दिया इसमें है ना, और लास्ट कंटेंट भी आपको मैंने दिखा दिया। इसको ज्वाइन करने के लिए गाइज यहाँ लास्ट में आप देखेंगे ऑप्शन आ रही होगी बाय नाउ फॉर 999 ओके। गाइज बहुत ही रीजनेबल प्राइस इसका रखा गया है, 999 ओनली ओके। आप स्टूडेंट हैं आप ज्यादा अमाउंट पे नहीं कर सकते हैं, आई नो दैट ओके। तो 999 इसलिए रखा गया क्योंकि मेरे पास भी एक टीम है जो आपके लिए मॉक टेस्ट बनाती है, यू नो आपके लिए क्वेश्चंस लेके आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो उनको पे करने के लिए इसका प्राइस 999 रखा गया है ओके। आप जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपकी स्टेट पूछेगा, जैसे मेरी हिमाचल है तो मैं हिमाचल भर देता हूँ। एंड देन प्रोसीड टू पेमेंट, और उसके बाद आपका पेमेंट वाला गेटवे खुल जाएगा। यहाँ पे गाइज आप जो है वो किसी भी ऑप्शन से पे कर सकते हैं, यू नो वॉलेट से, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से ओके, जो भी आपके पास अवेलेबल है। जैसे आप इसमें गाइज पे करेंगे तो आप इस बैच, इस कोर्स में आप ऐड हो जाएंगे, और जितना भी कंटेंट मैंने आपको दिखाया ये आपके लिए अनलॉक हो जाएगा ओके। ये आपके लिए अनलॉक हो जाएगा, फिर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हमने कौन सा बैच ज्वाइन करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद गाइज आप जैसे ही होम पेज पे आए करेंगे ओके, तो यहीं पे आपको दिखा देगा ऊपर योर परचेज्ड कोर्स ओके, या जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे यहीं पे आपको दिखा देगा जो आपने कोर्स बाय किया है वो आपको यहीं दिखा देगा, ऊपर लिख के आएगा योर परचेज्ड कोर्स ओके। अभी फ्री टेस्ट की मैंने आपको बात कही थी, ये फ्री टेस्ट वाला ये फोल्डर है, यहाँ पे आप जैसे इसको खोलेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ मॉक टेस्ट मिलेंगे जो फ्री है आपके लिए ओके। यहाँ पे मैं एक एमएससी जेई का एग्जाम भी अपलोड कर दूंगा, आप उसको अटेम्प्ट करिए। अगर आपको लगता है कि पेपर बहुत इजी है, आप आराम से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है, आपको इस कोर्स की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर अगर आप उस पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आप टॉप AIHM चाहते हैं, AIHM पूसा, AIHM मुंबई, AIHM चंडीगढ़, या टॉप जो जो पिछले पहले से एस्टेब्लिश्ड एमएससी करवा रहे हैं, आपको उनमें एडमिशन लेनी है और आप बहुत अच्छा रैंक अगर आपको चाहिए, तो गाइस डेफिनेटली आप इस कोर्स को ले सकते हैं, डेफिनेटली आपकी इससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी।